पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देती हूँ जो उन्होंने आज इतना बड़ा फैसला को अंजाम दिया। उन्होंने जो किया है बहुत अच्छा किया है। उन्होंने अपनी बेटी का सुहाग के कातिलों को सजा दिलाई। मैं उनका बार बार आभार व्यक्त करूंगी कि वो पिता समान सब है। उन्होंने जो किया बहुत अच्छा किया है। क्या लगता है इंसाफ हो रहा है? अब इंसाफ तो हुआ ही है, लेकिन क्या कर रहे हैं यार? आगे भी रास्ता है। इसी तरह मैं मांग करूंगी कि इंसाफ आगे भी दे। और जो पुलिस कर्मचारी हैं उन्होंने बहुत सहयोग किया। बड़ी प्रतिष्ठा के बाद, बड़ी मशक्कत के बाद इस तरह का सुनने को मिला। आगे आपकी क्या मांग है? आप मैं माननीय मुख्यमंत्री जी पे सब कुछ छोड़ा है। वो जो कुछ भी करेंगे उचित करेंगे, अच्छा करेंगे। आप लोग एनकाउंटर की मांग कर रही थी, अब किनका एनकाउंटर आप देखना चाहती हैं? कौन लोग हैं जिनका और एनकाउंटर होना चाहिए? वो मैं प्रशासन पे छोड़ा है। प्रशासन मुझे न्याय दिला रही है। वो देर में ही चाहिए लेकिन देंगे। प्रशासन ही हमको न्याय दिला रहा है। अच्छा, अतीक के लड़के का एनकाउंटर हुआ जिसका इंतजार था आप लोगों का, अब लगता है कि उमेश पाल जी की आत्मा को शांति मिलेगी? देखिए, आत्मा की शांति तो मिल जाएगी ही। ईश्वर जिसने न्याय दिलाया है वो सबसे बड़ा है। उन्होंने जो कुछ भी किया है बहुत अच्छा किया है। अब मैं आभार व्यक्त करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का, जो पिता समान है सारे बच्चों के। उन्होंने न्याय अच्छी तरह से दिया। मैं बात धन्यवाद ही कह सकती हूँ। माता जी आप गुलाम कर माता जी, आपकी मांग पूरी हुई है, क्या कहना चाहेंगी? पहली प्रतिक्रिया आप क्या है माता जी, पहले क्या कहना चाहेंगे? देखिए बेटा, हम लोग तो पहले से चिल्ला रहे थे, लेकिन हमारा चिल्लाना हमारे हाथ में नहीं था। थोड़ा जोर से माता जी, मतलब जो हम चिल्ला रहे थे कि उनका एनकाउंटर किया जाए, तो मेरे हाथ में नहीं था, मेरा कहना था। लेकिन मैं इस समय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और पुलिस विभाग के ऊपर, जो कि उन लोगों ने मुख्यमंत्री का आदेश था, जो यहाँ के मुख्यालय जितने पुलिस प्रशासन के हैं उन्होंने अपना फर्ज अदा किया। जो उनको करना चाहिए उन्होंने अच्छा न्याय किया। इसके आगे अब जो भी हुआ है वो कानूनी तौर से फैसला हुआ है। आगे जो हैं उनके लिए भी जो प्रशासन सोच रही है, या इतनी दिन से भाग दौड़ मचा रही है पुलिस विभाग, छटपटा रही है, तो उनको जो करना है वो अपने लाइन से अपने हाथों द्वारा करेंगे। हमें मुख्यमंत्री को जी के ऊपर पूरा भरोसा था और आज भी भरोसा है कि वो हमको अच्छा फैसला देंगे और फैसला के बाद हमारे आत्माओं को संतुष्टि। ठीक है, आपके घर के सामने असद और गुलाम जिस तरीके से गोली चला रहे थे, आज पुलिस के हत्थे चढ़े इनकाउंटर हो गया, क्या लगता है इंसाफ की पहली सीढ़ी मिल गई है? देखिए, वो तो हम कह रहे हैं ना कि मुख्यमंत्री जी के ऊपर और पुलिस विभाग के ऊपर हमको पहले से भरोसा था। अब वो भरोसा आज मुझको दिखाई दिया, मेरे बेटे के दो हत्यारे मारे गए। आगे आप क्या चाहते हैं, किसका एनकाउंटर देखना चाहते हैं? देखिए बेटा, यही है कि जो भी आज पुलिस प्रशासन ने किया है और ऊपर मुख्यमंत्री जी का आदेश था, बस इसी तरह ये करते रहे, हमारे आत्मा को संतुष्टि। माता जी, अतीक को लेकर क्या चाहती हैं? अतीक और जो अशरद है उसको लेकर क्या चाहती हैं? देखिए, अभी हमने कोर्ट का सुना है, उसको जो है तो पुलिस रिमांड पे ली है। अब जब रिमांड पे ले चुकी है तो जितना होगा अपने कानूनी कार्रवाई से उनसे पूछताछ करेंगे, उसके बाद वो जो बयान देगा अगर कसूरमंद होंगे तो उनको अदालत सजा देगी, अगर कानूनमंद नहीं होगा तो बरी रहेंगे। तो माता जी, आपको लगता है एनकाउंटर जो है वो उमेश जी के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी? देखिए बेटा, जिसने मेरे बेटे को खरेआम गोली यहाँ से मारी है और हम लोग देख रहे हैं, जो पीछे गनर बैठा गाड़ी से उतर नहीं पाया, उसको इसने राइफल से मारा था, तो कम से कम उन लोगों की श्रद्धांजलि आज कुछ मिली है, बस मेरा यही कहना है। देखिए बेटा, अब मुख्यमंत्री जी के ऊपर है और जो चारों तरफ भागे हैं प्रशासन, तो उनके ऊपर है, कितना मेहनत करते हैं, उनका मेहनत सफल होगा। योगी जी ने कहा था कि इस मामले को मिट्टी में मिला देंगे,
क्या लगता है मिट्टी मिलाने काम शुरू हो गया? देखिए बेटा ये दो काउंटर हुए हैं तो ये तो पाप किए थे, पाप के भागी थे, उसका सजा इनको आज मिला है।